आईपीएल हिस्ट्री का ग्रेटेस्ट कमबैक अगर किसे कहा जाएगा तो वो है आरसीबी का ये कमबैक। लगातार 6 मैच जीतकर प्लेऑफ में क्वालिफाई करने वाली आरसीबी पहली टीम बन गई है। एक महीने से आरसीबी ने एक भी जीत दर्ज नहीं की थी, उसके बाद लगातार 5 जीत दर्ज करी और फिर चेन्नई के खिलाफ इस नॉकआउट मुकाबले में क्या जबरदस्त कमबैक किया। 18 रनों से जीत चाहिए थी और 27 रनों से ये मैच जीतकर प्लेऑफ में क्वालिफाई कर लिया है, तो चौथी टीम आरसीबी प्लेऑफ में क्वालिफाई करने वाली बन गई। आरसीबी टीम ने ना सिर्फ मैच जीता बल्कि आरसीबी टीम के हर एक बल्लेबाज ने अपना योगदान दिया। बल्लेबाज फॉर्म में वापस आ गए हैं, विराट कोहली लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, 700 से ऊपर अब रन बना चुके हैं। वहीं यश दयाल ट्रोल हुए थे रिंकू सिंह के 5 छक्कों के बाद, आज उसी यश दयाल ने आरसीबी को मैच जिताया। तो वक्त कैसे बदलता है, जिसे कभी जिंदगी ने जीरो बनाया उसे हीरो बनने का भी मौका जिंदगी जरूर देती है, और यश दयाल ने आखिरी ओवर में कमाल कर दिया। हालांकि 4 टीमों के 14 पॉइंट है, लेकिन आरसीबी ने नेट रन रेट बेहतर करके चौथी पोजीशन पर जगह बनाई है। सीएसके दिल्ली और लखनऊ आईपीएल से बाहर हो गई। तो ये आईपीएल हिस्ट्री का ग्रेटेस्ट कमबैक आरसीबी ने दिखाया। अब 4 टीमें तय हैं, कोलकाता, राजस्थान, हैदराबाद और आरसीबी। कौन सी टीम इस बार आईपीएल का खिताब जीतेगी, अभी आरसीबी 3 कदम दूर है। अगर जिस तरह 6 मैच आरसीबी ने जीते हैं, अगर लगातार 3 मैच भी जीत जाती है तो आरसीबी इतिहास बना देगी और वुमेन्स टीम के बाद आरसीबी की मेंस टीम भी आईपीएल ट्रॉफी जीत जाएगी। क्या ऐसा होगा या फिर बाकी तीनों टीमों में से कोई एक टीम ट्रॉफी जीतेगी आरसीबी को छोड़कर? क्या लगता है आपको, कौन सी टीम ट्रॉफी जीतेगी इस बार?